रूही जी का एक सवाल है। रूही जी पूछ रहे हैं कि सर आखिरकार सुपर टेट कब तक आएगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अब सारे के सारे यूट्यूब वाले केबीएस की बात कर रहे हैं, सुपर टेट की कोई भी बात नहीं कर रहा है। और ये आवेदन इसलिए नहीं कर पाएंगे केबीएस में क्योंकि इनके पास में सी टेट नहीं है, केवल यूट्यूब यूपी टेट क्वालिफाई किया था। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप सुपर टेट को लेकर के सीरियस हैं, सवाल अच्छा पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं, जो आप कह रहे हो कि आखिरकार अब हर जगह पे आपको केवीएस केवीएस देखने में क्यों मिल रहा है। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जो कि टीचिंग के लिए पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे अब सुपर टैट को छोड़ करके केवीएस पढ़ा रहे हैं इसी महीने से। पिछले महीने तक क्या था, इनका सुपर टैट बहुत जोरों शोरों से करा रहे थे, इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब केवल केवीएस केवीएस कर रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल वाले जो अवसरवादी हैं, अवसरवादी का मतलब समझते हो, अवसरवादी का मतलब ये होता है जिसमें फायदा हो वो चीज कराना। देखिए अभी केबीएस की वैकेंसी है, तो जिन लोगों का सीटेट क्वालिफाई है, जो लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, वो लोग क्या करेंगे, केबीएस की तैयारी में लग जाएंगे। अब तो ये आपकी तैयारी सुपर टेट की तो बीच में छुड़वा करके अब केबीएस केबीएस कर रहे हैं, क्योंकि केबीएस पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, इनका कोर्स बिकेगा तो इनकी जेबें भरेंगी, बात ये है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मालूम पड़ गया हो कि आखिरकार सुपर टेट अभी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात, सुपर टेट कब तक आएगा, देखिए सुपर टेट मैंने आप लोगों को बताया, सुपर टेट 2023 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और सुपर टेट आप लोगों का तब आएगा, पहले यूपी टेट होगा। यूपी टेट क्यों अटका हुआ है, यूपी टेट अटका इसलिए हुआ है, आप लोगों को मालूम है यूपी टेट इसलिए अटका हुआ है क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश है वहां पे निकाय चुनाव होने वाले, ठीक है, निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो ज्यादातर जो सरकार की, क्योंकि ये निकाय चुनाव को कौन करता करवाता, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी सरकार का पूरा फोकस जो है ना किस पर है, निकाय चुनाव कराने पर है। जैसे ही आप लोगों के निकाय चुनाव हो जाएंगे, निकाय चुनाव जो है ना फरवरी के स्टार्टिंग में आप लोगों के खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। निकाय चुनाव होने के बाद में आपका यूपी टेट होगा। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज बताई थी यूपी टेट को लेकर के, यूपी टेट को लेकर के खबर ये सामने निकल करके आई थी कि मे बी पॉसिबल कि इसका नोटिफिकेशन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं मिला तो आप लोगों का जनवरी के प्रथम सप्ताह में आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। यूपी टेट होने के बाद में ही सुपर टेट की परीक्षा होगी। ठीक है, सुपर टेट की परीक्षा होगी। और सुपर टेट कब तक होगा इस बात को लेकर के अगर हम बात करें, तो सुपर टेट जो है ना वो आप लोग कब तक हो, देखिए अगर आप लोगों का जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, जिसके आने की संभावना 90% है यूपी टेट का, तो आप लोगों का मार्च में लगभग 2.5 महीने 3 महीने लगते हैं पेपर कंडक्ट कराने में। ठीक है, तो मार्च में या फिर अप्रैल में आप लोगों के यूपी टेट हो जाएगा। अगर अप्रैल में यूपी टेट हो गया, मतलब मार्च में ही हो जाएगा वैसे तो, मार्च और अप्रैल में यूपी टेट हो गया तो जून या जुलाई में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन भी है। 2024 को इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार का पूरा फोकस ये रहेगा कि सुपर टेट की वैकेंसी दे दी जाए। ठीक है ना, तो ये समस्या है सुपर टेट के साथ में कि आखिरकार सुपर टेट में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, तो फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है, आपके मन में कोई डाउट है सुपर टेट को लेकर के, तो आप इस नंबर पे 94-56-98-97 पर व्हाट्सएप करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं।